जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है एनओएस बोर्ड ने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अक्टूबर 2022 के रिजल्ट में आरडब्ल्यू आया था। आरडब्ल्यू यानी कि उनके रिजल्ट को रोक लिया गया था। अब जो है 1 और 2 तारीख को उस रिजल्ट को रिफ्रेश कर दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये देखा जा रहा है कि आरडब्ल्यू तो हट गया है लेकिन उनका 1 या 2 सब्जेक्ट में या तो वो शो नहीं हो रहा है या SYC आ गया है या SYCT आ गया है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट रह गया और अभी तक रिजल्ट में पास नहीं दिखा रहा है तो उनको एनओएस बोर्ड ने एक अपॉर्चुनिटी और देते हुए अपनी एग्जामिनेशन फीस पेड करने के लिए पोर्टल खोल दिया है जो कि आप 9 मार्च 2023 से पहले सबमिट करा सकते हैं। और ये सबमिट कराने के बाद आप लोग भी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अप्रैल 2023 के एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट देर मत कीजिए, अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट तो जल्दी से अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पेड करिए। किसी स्टूडेंट को अगर कन्फ्यूज़न होता है तो VCIC गुरुजी के नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको जो है ये एग्जामिनेशन फ़ीस पेड करके हेल्प करेंगे और साथ ही साथ में ये बताएंगे कि किस तरीके से अब आपको हॉल टिकट मिलेगा, कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है, वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे।